हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, फाइनली आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन अबाउट हो चुका है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से मैक्सिमम बच्चे अब अपनी तैयारी को लेके, या बोलूँ तो अपने फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस हो गए होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बट गाइस, जब हम बिल्कुल इनिशियल फेज में होते हैं, तैयारी बिल्कुल चालू करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं भाई। फॉर एग्जांपल कि भाई हम तैयारी चालू कैसे करें, किस सोर्स को फॉलो करें, कहाँ से पढ़ें, किस टीचर को फॉलो करें, किस मटेरियल को फॉलो करें, क्या कोई बुक खरीदें या कोई कोर्स खरीदें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, या सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चों के मन में आता है कि सर ये एग्जामिनेशन कितने महीने की तैयारी के बाद हम निकाल सकते हैं। गाइस, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज बहुत बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आज अपने सारे नोट्स बना के लाया हूँ और यही आज मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोग पूरे अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे। बिकॉज गाइस, एक चीज की आज मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप चाहे कितने भी बिगनरी क्यों ना हो, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेथड भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले दैट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन एंड वेयर टू स्टडी फ्रॉम। भाई, अपनी तैयारी को हम चालू कैसे करें और कहां कहां से पढ़ें। देखो, जब हम अपनी तैयारी के बिल्कुल इनिशियल फेज में होते हैं ना, मतलब बिल्कुल नए बच्चे होते हैं, और जब भी आप किसी पुराने बच्चे से या किसी टीचर से पूछोगे, तो आते से हमें छूटते से हमें ये बोलता है कि भाई आप एक पेड कोर्स बाय कर लो, या अनअकैडमी का ये वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, या ऑलिव बोर्ड का ये वाला सब्सक्रिप्शन ले लो। तो भाई, मैं आपको एक अनबायस्ड यहां पे एडवाइस देना चाहता हूं कि जब आप बिल्कुल नए बच्चे हो ना, तो आपके अंदर वो होता है जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदारी करने जाते हैं, तो वो वाला एटीट्यूड आपको अपनी तैयारी के इनिशियल फेज में भी रखना होता है। भाई, फॉर एग्जांपल, कभी आप शॉपिंग मॉल के अंदर घुसे, आपने कोई परफ्यूम ट्राई करा, तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि जो पहला परफ्यूम ट्राई करोगे वही आपको पसंद आएगा। तो हम क्या करते हैं, परफ्यूम ट्राई करते रहते हैं, जब 10-15 परफ्यूम हम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद जो हमें सबसे अच्छा लगता है हम उसको खरीदते हैं। यही सेम एटीट्यूड आपको भी रखना है अपना पैसा खर्च करने से पहले। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर अब इसको हम यहां कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, गूगल पे जाओ और टाइप करो आईबीपीएस क्लर्क 2022 सिलेबस। ठीक है, अब वो सिलेबस आपका जैसे ही खुलता है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएगा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। आप क्या करो, सबसे पहले उठाओ क्वांट, क्वांट में आएगा सबसे ऊपर मान के चलो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद यूट्यूब पे जाओ और टाइप करो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन फॉर आईबीपीएस क्लर्क, एंटर। आपके सामने बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स के बहुत सारे अलग अलग लेक्चर्स आ जाएंगे। आप क्या करो, 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर के 5 वीडियोस देखो और अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, ये हो गया पहला टॉपिक। अगेन आप दूसरे टॉपिक पे आओगे, मान के चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन आप वही सेम करोगे, यूट्यूब पे जाओगे और टाइप करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर आईबीपीएस क्लर्क, एंटर। ऊपर के जो 5 वीडियोस आए, अगेन वो 5 वीडियोस देखोगे। ऐसे करते 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 जब आप सारे टॉपिक्स एक बार देख लोगे ना, तो आपको समझ आएगा कुछ 2-4 टीचर्स ऐसे हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे, और फिर वहां जो ऐसा टीचर जिसका पढ़ाए हमें सबसे ज्यादा समझ आता है, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे और उसकी क्लासेस हम देखने लगेंगे। अब उसके बाद चाहे आप यूट्यूब लेना चाहते हो तो यूट्यूब पे उनकी क्लासेस ले लो, या अनअकैडमी पे उनकी क्लासेस लेना चाहते हो तो वहां ले लो, वो फिर आपके ऊपर है। बट सबसे पहले टीचर डिसाइड आपको खुद करना है। आपको ऐसे नहीं करना यार वो वाले टॉपर ने तो यहां से पढ़ा था, यार वो वाले टॉपर ने तो यहां से पढ़ा था। भाई, हर टॉपर अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है। अब आपको ये समझना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, और जो आपके लिए बेस्ट है आपको उसको चूज करना है। ठीक है, तो अपनी हम तैयारी कैसे चालू करेंगे, सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर एक एक टॉपिक को आपको जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, और इस पूरे प्रोसेस में आपको हफ्ते से 10 दिन देने हैं। मतलब पहले 7 से 10 दिन आप ये मान के चलो कि भाई आप तो शॉपिंग करने आए हो, आप तो परफ्यूम खरीद के ही जाओगे, और जब तक आपको सबसे अच्छा परफ्यूम नहीं मिल जाएगा आप ट्राई करते रहोगे। सो कीप ट्राइंग, और जब तक आपको सबसे अच्छा टीचर जो आपको बेस्ट लगता है वो नहीं मिल जाता, कीप ट्राइंग, और एक हफ्ते के अंदर तो आपको अपना सबसे अच्छा टीचर पक्के में मिल ही जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई, इस प्रिपरेशन में हम कितना टाइम दें। देखो, जनरली अगर डेली बेसिस पे हम बात करें तो देखो क्या होता है, अगर चलो सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं, तो जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। देखो, क्वांट में क्या होता है, अगर हम बात करें तो देखो जो सिंपल टॉपिक्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये सारे इजी टॉपिक्स हैं, इनमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब बड़े टॉपिक की बात करें, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक में आपके 10 से 12 चैप्टर्स हैं जिसको पढ़ने में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। भाई, हर टॉपिक की भी बात करें तो एक एक चैप्टर खत्म करने में आपको अराउंड 3 से 4 या 5 दिन लग सकते हैं। भाई, 2-3-4 दिन में आपका सिलेबस खत्म होगा कॉन्सेप्ट वाला, और उसके बाद आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे, तो चलो 4-5 दिन मान लेते हैं। भाई, 10 दिन के हिसाब से 40-45 दिन आपको लगेंगे आपका अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट करने में। इसके बाद डीआई का सिलेबस कंप्लीट करने में आपको वही 10 से 15 दिन लगेंगे, जितने में आप डीआई का बेसिक समझ जाओगे, राइट। तो मतलब मोटा मोटा मान के चले तो क्वांट खत्म करने में आपको वही 60-65 दिन, मतलब 2 महीने के आसपास लगने चाहिए। वही रीजनिंग की बात करते हैं इसके बाद। देखो, रीजनिंग में सबसे पहले आपको इजी वाले टॉपिक्स उठाने हैं, या जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स। उसमें क्या क्या आता है, भाई सबसे पहले आता है उसमें सिलॉजिज्म,
कोडिंग डी कोडिंग जो चाइनीज कोडिंग डी कोडिंग ईजी वाली होती है वो आता है, इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, इसके बाद आता है आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वलिटीज, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके हर एग्जामिनेशन में आते हैं और क्लरिकल एग्जामिनेशन में तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले आपको इनको टारगेट करना है। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट बहुत छोटा होता है, मतलब मैं अगर आपको फैक्ट बताऊं तो इतने बड़े बड़े सुनने वाले नाम, मान के चलो सिलोजिज्म आपको सुनने में लग रहा होगा यार कितना मुश्किल है, बट जब एक्चुअली में पढ़ने बैठोगे इनकी क्लासेस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यार इनका पूरा कॉन्सेप्ट एक से डेढ़ दिन में खत्म हो जाता है और प्रैक्टिस उसके बाद एक से डेढ़ दिन करो, मतलब मोटा मोटा हर चैप्टर में यहाँ पे हर टॉपिक में आपको 2 से 3 दिन लगने वाले हैं, 7-8 टॉपिक्स है तो मतलब मोटा मोटा 1 महीने के अंदर आपका सारा आप मिसलेनियस वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, राइट। इसके बाद आता है आपका पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। भाई यहाँ पे आपको इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और इनके कॉन्सेप्ट पढ़ने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है बिकॉज इनमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स आ जाते हैं, टाइप्स आ जाते हैं, तो इनमें आप मान के चलो आपको 15 से 20 दिन या अगर आप बहुत स्लो लर्नर हो तो 1 महीने तक भी लग सकता है बेसिक्स क्लियर करने में, राइट। तो इसमें भी वही आपको 1 महीना लगेगा मिसलेनियस में और 1 महीना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक समझने में, तो अगेन आपको यहाँ पे भी 2 महीने लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में मेरा हमेशा से मानना है कि आप लोगों को किसी पर्टिकुलर बुक की जरूरत नहीं है या किसी पर्टिकुलर टीचर की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंग्लिश जो हमारा बैंक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दैट इज ऑल अबाउट योर रीडिंग एबिलिटीज या रीडिंग कैपेबिलिटीज। तो जितना ज्यादा अच्छा आपका रीडिंग हैबिट्स होगा या जितना ज्यादा अच्छा आपका रीडिंग का एबिलिटी होगा इस एग्जामिनेशन में आप उतना ज्यादा और उतने अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब भाई पर बात यह है कि काफी सारे बच्चे जो बैंक की तैयारी करते हैं या तो वो हिंदी मीडियम के होते हैं या तो उनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी होती नहीं है, तो उनको रीडिंग वाला पार्ट बिल्कुल जीरो से चालू करना होता है। और ये ऐसा तो नहीं है कि भाई रातों रात इंप्रूव हो जाए, मतलब ना तो क्वांट की तरह कोई फॉर्मूला होता है और ना ही रीजनिंग की तरह कोई शॉर्टकट होता है, भाई इसको तो हमें डे टू डे बेसिस पे ही इंप्रूव करना होता है। और रीडिंग की बात करें तो एक जीरो वाले बच्चे को जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है आपको काफी टाइम लग सकता है, तो आपको मैं मान के चलता हूँ 1.5 से 2 महीने लगेंगे आपकी रीडिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करने में। बट इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप लोग इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो ग्रामर पे थोड़ा फोकस रखते हुए आगे चलिएगा, बिकॉज मैं आज से कुछ टाइम पहले तक आप लोगों को बोलता था कि ग्रामर आप लोग बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, बट अगेन मैं आज आप लोगों को ग्रामर इसलिए बोलता हूँ बिकॉज जो एक नया बच्चा होता है जिसको रीडिंग नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, जब वो मॉक टेस्ट देने जाता है या जब बाकी बच्चों की से बात करता है ना तो इतना डीमोटिवेशन फील होता है बिकॉज ना तो उनके नंबर आते हैं और ना उनको कॉन्फिडेंस आता है। बट ये ग्रामर वाला जो पोर्शन है बहुत छोटा होता है, इसको कंप्लीट करने में आपको 10 से 15 दिन लगेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट आप 5-7 नंबर तक श्योरिटी मिल जाएगी आपको कि भाई एग्जामिनेशन में इंग्लिश में भाई 5-7 नंबर मेरे आ सकते हैं ग्रामर करने के बाद। तो इतना आप टाइम ग्रामर को दो। अब कितना टाइम हमें डेली बेसिस पे हर सेक्शन को देना है, भाई डेली बेसिस पे आपको हर सेक्शन को 2 घंटा देना है, मतलब 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा क्वांट और 2 घंटा रीजनिंग, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के दिनों में आपको बिल्कुल भी जीके को उठाना नहीं है, मतलब बिल्कुल अगर बिगनर फेज में हो तो आप लोग जीके बिल्कुल पिक नहीं करोगे। पहले 2 महीने जब हम बात कर रहे हैं, ये पहले 2 महीने जब हम एक लेवल अपना फाउंडेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, इस टाइम में हम टोटल अपना फोकस इन 3 सेक्शंस पे रखेंगे और ये 2 महीने खत्म होने के बाद हम जीके उठाएंगे और उसके बाद फिर हम जीके को हम डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। अब जीके के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको अपने चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगे तो आज उसकी बात नहीं करते, बाकी 3 सेक्शंस के बारे में बात करते हैं, राइट। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर क्या मैं पहले वीक टॉपिक उठाऊं अपना या फिर स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठाऊं? देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं या एक बहुत सिंपल सा पॉइंट बताता हूं। भाई जब भी आप अपने इनिशियल फेज में हो ना, सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठाओ। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपको इंग्लिश पसंद है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने पहले 10-15 दिन में इंग्लिश को देना चालू करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंजीनियर हो, आपको मैथ अच्छा लगता है तो आप ज्यादा टाइम मैथ को दो। अब ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप इनिशियल डेज में किसी ऐसी चीज को उठाओगे जो आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत आती है तो आपको अंदर से और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। वहीं उल्टा अगर आप इनिशियल डेज में ऐसा कुछ उठा लोगे जो आपको आता ही नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भाई इट इज जस्ट लाइक एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे को मैं बोलूं कि भाई तुम्हें डेली बेसिस पे 5 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, वो बोलेगा भाई ये एग्जाम मैं नहीं निकाल पाऊंगा, भाई मुझसे नहीं हो सकता। या मैं एक आर्ट्स वाले बच्चे को बोलूं भाई तुम्हें डेली बेसिस पे 4 घंटा मैथ पढ़ना, वो बोलेगा सर मैं ये पेपर दूंगा ही नहीं आज के बाद, ना मुझसे तो बात ही मत करो, समझे ना। तो इनिशियल फेज में आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा फोकस और ज्यादा टाइम अपने फेवरेट टॉपिक को दो जिससे अंदर से कॉन्फिडेंस आए, बट उसी के साथ 2-2 घंटे तो देने ही है, बट उससे ज्यादा टाइम जो आप देते हो वो फेवरेट टॉपिक को देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भाई हम किस टीचर को फॉलो करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो जल्दी जल्दी फटाक से बता देता हूं, क्वांट के लिए आप फॉलो कर सकते हो आशीष अरोड़ा को, उनका यूट्यूब का चैनल है स्टडी फाइंड, बहुत अच्छा चैनल, उनको फॉलो कर सकते हो। आप फॉलो कर सकते हो सुमित सर को, उनका चैनल है सुमित सर अकेडमी। आप फॉलो कर सकते हो कौशिक मोहंती को, उनका चैनल है करियर डिफाइनर। आप फॉलो कर सकते हो उसके साथ अमर सर को जो मुझे बहुत पसंद है और उनका चैनल है शायद अमर सर नाम से ही। तो ये हो गया आपका क्वांट के लिए। इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली किसी चैनल को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं, स्टिल आप निमिषा बंसल को फॉलो कर सकते हो,
सकते हो, उनका जो 120 रूल्स है उनको आप टुकड़ों टुकड़ों में देख लो, वो काफी अच्छा है। और इसके साथ आप चाहो तो ऑलिव बोर्ड और टेक्स्टबुक के चैनल पर प्रॉपर वीडियोस आपको मिलेंगे कि भाई हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या हाउ टू इम्प्रूव पैरा जंबल, आप उसको देख सकते हो। इसके साथ अपने चैनल पर आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगा 21 डेज चैलेंज करके, जहां पे मैंने पूरा का पूरा बैंकिंग सिलेबस कवर करा है, चाहे इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, आपको हर टॉपिक के बेसिक्स फाउंडेशन वहां पे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को बिल्कुल देख लेना, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फाइनली बात करते हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग के लिए आप अंकुश लांबा को फॉलो कर सकते हो, उनका भाई वो थ्रेड मेथड बहुत फेमस है, उनका 1000 पजल वाला जो एक प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लेना, मतलब बहुत ही मजा आ जाएगा। और उसके साथ आप फॉलो कर सकते हो पुनीत सर को, वो भी काफी अच्छे, बट शायद वो YouTube पे उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, वो अनअकैडमी पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये कुछ टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन हमारा होता है किन बुक्स को हम फॉलो करें। तो देखो, पर्टिकुलर बुक्स मैं कभी ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, बट स्टिल मैंने खुद अपनी तैयारी बुक से ही पढ़ने से चालू करी थी। तो जिन बुक्स को मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं वो हमेशा होते हैं कैट एग्जामिनेशन की बुक। भाई अगर क्वांट के लिए बात करें तो भाई मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय सर्वेश के वर्मा। इसके साथ एक नया बुक आया क्वांटम है आशीष अरोड़ा। भाई देखो, वो बुक काफी हद तक ठीक है, बट काफी कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत है, तो उनको देख लेना, बाकी ठीक है, वो बुक भी ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय अरुण शर्मा बहुत बहुत अच्छा बुक है, उसको ले लो। इसके साथ एक और बुक जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो होता है जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, बहुत बेहतरीन बुक है, आप लोग उस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। और अगर ग्रामर में प्रॉब्लम आती है तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल, ये भी बहुत अच्छा बुक है, इसको ले सकते हो। रीजनिंग के लिए पर्टिकुलरली मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लिटरली बोल रहा हूँ नहीं है। रीजनिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा अपने दिल से कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखो, रीजनिंग का कोई ऐसा बुक नहीं है जो आपको डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करेगा, तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई या तो वीडियो देख लो यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, बट वीडियो से ही प्रिपेयर करो, तो रीजनिंग आपका ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेस्ट सोर्स क्या होना चाहिए हमारी प्रैक्टिस के लिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हर साल मेरे पास आते हैं ये बोलते हुए कि सर हमने क्लासेस ले ली, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, हमने सारी तैयारी कर ली, अब प्रैक्टिस के लिए हमें मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो भाई इसके लिए मैं हर बार बच्चों को यही बताता हूँ कि एकमात्र सोर्स जो आप लोग को फॉलो करना है, लिटरली सिंगल सोर्स फॉलो करना है, और वो है गाइडली का पीडीएफ बंडल। भाई देखो, इनके बहुत सारे पीडीएफ बंडल आते हैं, एक जो सोर्स बता रहा हूँ उसको नाम नोट कर लो, और उसका नाम है अल्टीमेट पीडीएफ बंडल। ये गाइडली की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब भाई ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप इसको एक बार बाय करते हो तो इसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों एग्जामिनेशन के हर जितने भी एग्जाम होते हैं सबका कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा, और ये बहुत ही चीप मिलता है आपको, शायद 700-800 रुपए का ही ऑलरेडी इसका प्राइस है, और हमारा कोड लगा लोगे अल्फा ALFA तो ऊपर से एक्स्ट्रा 12% और आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाय कर सकते हैं गाइडली का पीडीएफ बंडल अगर कोई भी पेड मटेरियल बाय करना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज। तो देखो, बाजार में अभी मोटा मोटा बात करें तो 3 मॉक टेस्ट सीरीज ही बची हैं अभी जो किसी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कराती हैं, बाकी सब के सब खच्चर हो चुके हैं, बस ये 3 टेस्ट सीरीज बची हैं, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट कीड़ा। अब इसमें देखो, ऑलिव बोर्ड है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, महंगा रहता है, तो मैक्सिमम बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करता। अब बाकी दो बच्चे प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट कीड़ा। अब देखो, आजकल जो मैं बच्चों से रिव्यूज लेता हूं, काफी बच्चे ये बोलते हैं कि सर प्रैक्टिस मॉक का कॉन्टेंट उस लेवल का नहीं आ रहा, या उनका कॉन्टेंट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा। वहीं स्मार्ट कीड़ा वाले बच्चे हमेशा ये बोलते हैं कि सर बहुत मजा आ रहा है और एग्जाम लेवल का कॉन्टेंट बिल्कुल मिलता है इसके मॉक टेस्ट सीरीज में। तो आप लोग स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो, ये मेरा रिकमेंडेशन है बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। अगर आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर जीके। तो भाई इसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि पहले 2 महीने में जब आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे होंगे, फाउंडेशन बिल्डिंग पे काम कर रहे होंगे, कोई भी बच्चा जीके को पिक नहीं करेगा, उसके बाद हम लोग जीके प्रिपेयर करेंगे 2 महीने के बाद, ठीक है। अब देखो, जीके की जब बात करें तो इसके ना टोटल 3 टॉपिक से पूछा जाता है। सबसे पहला होता है करंट अफेयर्स, दूसरा होता है बैंकिंग अवेयरनेस, और तीसरा होता है फाइनेंशियल प्लस स्टैटिक अवेयरनेस, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले या तो आप उठा लो बैंकिंग अवेयरनेस या उठा लो आप करंट अफेयर्स। इसके लिए बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो डाला है जिसका लिंक मैं ऊपर अभी आप लोगों को दिख रहा होगा वहां डाल दूंगा, और नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिए, आपके जीके के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट अगेन, कोई भी बच्चा पहले 2 महीने में जीके को पिक नहीं करेगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई इंग्लिश में ग्रामर एंड वोकैब को कितना टाइम दें। तो अगेन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, देखो तो ग्रामर को आप लोग कुछ कुछ टाइम देना चालू करो डेली बेसिस पे, भाई आधे घंटे से एक घंटा दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा और इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। वही वोकैब की बात करें तो देखो वोकैब के लिए आपको पर्टिकुलरली कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, भाई जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उतना ज्यादा आपका वोकैबुलरी ऑलरेडी बिल्ड होता रहेगा। और जब आप लोग वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे होगे तो मेरा आप लोगों को एक सजेशन रहेगा कि रूट वर्ड्स होती है एक चीज होता है रूट वर्ड्स, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर आप लोग रूट वर्ड समझ गए ना तो शायद कितना भी मुश्किल वर्ड क्यों ना हो और चाहे आपको उसका मीनिंग भी ना पता हो बट फिर भी आप उसका कुछ ना कुछ सेंस निकाल लोगे अगर आपको रूट वर्ड्स की जानकारी होगी तो। तो उस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें ऑफलाइन सोर्स को फॉलो करना चाहिए या ऑनलाइन सोर्स को फॉलो करना चाहिए। भाई क्या मैं कोई अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में या अपने शहर में कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूं जाके या ऑनलाइन कोई कोर्स बाय करूं? तो भाई मेरा हमेशा आप लोगों को यही सजेशन रहता है कि पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न ऑनलाइन है, तो मैं तो आपको हमेशा यही सजेशन दूंगा कि आप लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करो, फिर चाहे आप लोग यूट्यूब ले लो या अनअकैडमी ले लो या और कोई भी आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, आप जहां पे भी कंफर्टेबल हो, बट ऑनलाइन सोर्स को फॉलो करो ज्यादा से ज्यादा। बट स्टिल काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं या कहीं और से आए हैं जिनको हार्ड कॉपी से पढ़ना बहुत पसंद है, भाई पेपर पे जब तक ना लिखा हो या पेन से मार्क ना करें तब तक समझ नहीं आता, और जब तक सामने से कोई टीचर आके हमसे बात ना करे या हमें डांटे ना तो हमें पढ़ाई का मन नहीं करता। तो उस केस में आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बट अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि उसमें भी जल्दी से जल्दी आपको कोशिश ये करनी है कि आप ऑनलाइन मटेरियल की तरफ जाओ, भाई पीडीएफ से ज्यादा पढ़ना चालू करो, आपका जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल सब कुछ ऑनलाइन करो, बिकॉज पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न अब ऑनलाइन हो चुका है, कुछ भी ऑफलाइन बचा नहीं है। तो अब हमें भी खुद से कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन देना चालू करें। फाइन गाइस, सो यहां तक आई थिंक आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल गए होंगे, जितना मुझे अभी तक समझ आया एज अ बिगिनर मैं सोच सकता था, बिकॉज मैं आप लोगों के लगातार कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, इंस्टाग्राम पे आप लोगों के क्वेश्चंस देखता रहता हूं, तो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो लगातार आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं। स्टिल अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है जिसका आंसर अभी तक आपको नहीं मिला है तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है, मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं, बेधड़क होकर नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं जल्दी से जल्दी कर सकूं। फाइन गाइस, सो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन, गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हर उस बच्चे तक आप पहुंचाएंगे सेशन को जो भी इस बार बैंक एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है बट उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, ये सेशन उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो गाइस कीप शेयरिंग, प्लीज कीप शेयरिंग। इसी के साथ अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ, बिकॉज इतना फैबुलस कंटेंट आप पूरे यूट्यूब पे और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। सो गाइस मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू देन।